वेलकम टू अलवी एंटरटेनमेंट। मैं हूं सुफियान माकड़ा और अभी इस वक्त जोगवाड़ में हूं और मेरे साथ जो है मोहम्मद अली भाई है और चलिए हम उनसे ही पूछते हैं कि जोगवाड़ जो है उसका लोकेशन कहां पर आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली भाई खैरियत जी? अल्हम्दुलिल्लाह एहसान जी। मोहम्मद अली भाई सबसे पहले तो ये लोगों को बताइए कि जोगवाड़ जो आपका प्लेस है वो एग्जैक्टली कौन सी जगह पर है? ये जोगवाड़ है ना, चिखली तालुका में आया है और वो कौन सा तालुका डिस्ट्रिक्ट? चिखली तालुका और नवसारी जिले का गांव है। नवसारी जिला लगता है, डिस्ट्रिक्ट नवसारी है। ओके। और ये चिखली तालुका का और सूरत जिला के बॉर्डर पे आखिरी गांव है ये। और पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आपकी चैनल के माध्यम से हमारी मुलाकात आपने की। अरे जी, अरे बिल्कुल, हमारा तो काम है मोहम्मद अली भाई, हम लोग शौक करते हैं, हमें शौक भी है इस चीज़ का, तो बकरों के लिए हम हर जगह पर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अलमी एंटरटेनमेंट को चूज़ किया आपके बकरे शो करने के लिए। तो मोहम्मद अली भाई, सबसे पहले तो बताइए कि आपको जोगवाड़ में छोटे से गाँव में बकरे पालने का ख्याल किस तरह से आया, मतलब किस तरह से आइडिया आया? अच्छा, इसमें क्या कि हम लोग हर साल कुर्बानी करते हैं, तो कुर्बानी के लिए पहले हम ये बलसार धर्मपुर के गांव में जाके ढूंढते थे। थोड़ा जोर से बोलना, आवाज़ नहीं जाएगा। ढूंढते थे और उधर जाके फिर ढूंढ के लाते थे जी। इसमें से फिर शौक हुआ कि चलो खुद भी कुर्बानी के लिए घर पे ही अपने उसको पालन करें। ओके। लेकिन इस वीडियो में हम जो बता रहे हैं वो हम ये सारे बकरे जो है हमें बेचना है जी, ठीक है? तो जिसको भी इंटरेस्ट हो वो हम आगे बताएंगे कि किस तरह करना है। तो ये पहला वीडियो है हमारा और इसमें हम 7 बकरे दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है मोहम्मद अली भाई, पहले बकरे से शुरू करते हैं। हम बकरे के बारे में वन बाय वन थोड़ा डिटेल्स बता देंगे। सबसे पहले तो ये एक माशाल्लाह वाइट में पिंक स्किन में बहुत खूबसूरत बकरा है। मोहम्मद अली भाई, इसकी डिटेल्स में बताइए, मतलब में कौन सी नस्ल में है? ये है न प्योर सोजत का है। सोजत में है। वजन अंदाजन कितना रहेगा? तकरीबन 90 से 100 किलो तक होगा। 90 के जी। ओके, माशाल्लाह बकरा बहुत सजा हुआ है। अच्छा मोहम्मद अली भाई, हम लोगों को बता दें कि हमारे पास सारे बकरे खस्सी है। सारे बकरे खस्सी, कोई बकरा आंडू नहीं है, सारे बकरे खस्सी है। चलिए ओके, टोटल हमारे पास कितने जानवर हैं? ये 55 जानवर है वो बेचने के लिए। 55 बकरे हैं खस्सी। किसी को सारा लॉट भी लेना हो तो यहाँ पर लोकेशन पे आ सकते हैं। मैंने इनका नंबर जो है स्क्रीन पर दिया हूँ, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये पहला बकरा हो गया और इसका सोजत में है। छोड़ दो इसको, छोड़ दो थोड़ा। माशाल्लाह ये लॉट में सबसे खूबसूरत बकरा खस्सी है, जिसको भी इंटरेस्ट हो। अच्छा मोहम्मद अली भाई, ये वीडियो में हम सारे बकरे दिखा देंगे, लेकिन क्या उनमें से हम एक एक करके अलग से भी देंगे? देंगे। 7 बकरे, किसी को अलग से भी चाहिए एक एक तो दे देंगे। ठीक है माशाल्लाह, तो ये पहला बकरा हो गया। दूसरा बकरा दिखा दें, ये दूसरा वाला, ये भी सोजत ने माशाल्लाह। ये एक साल में ही हो गया इतना। ये एक साल है, कितने दांत पर रहेगा? इसके दांत दिखा दे थोड़ा। दो दांत पर है माशाल्लाह, जबरदस्त। ये अच्छी चीज़, अच्छी क्वालिटी। आपके बकरे मोहम्मद अली भाई काफ़ी साफ सुथरे बकरे हैं, क्लीन है। ओके बताइए। और पिंक में है, खस्सी में है माशाल्लाह, ये भी अच्छा बकरा है। छोड़ दीजिए इसको, ये एक साल में ही तैयार हो गया। ये एक साल में तैयार हो गया, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ये तीसरे नंबर वाला बकरा है माशाल्लाह मोहम्मद अली भाई, इसका कलर काफ़ी अच्छा है। तकरीबन 70 किलो वजन ये भी होगा। 70 के जी, हाँ। ओके, बहुत बढ़िया कलर है इसका, कलर बहुत अच्छा है माशाल्लाह। खसी है और ये तीन नंबर वाला मकरा है, खूबसूरत भी बहुत खूबसूरत है। और ये भी एक साल में हो गया। एक साल में, ये भी दो दांत पर है, दो दांत ही है, चौथे निकाला है। ये एक साल में ही तैयार हो गया माशाल्लाह, 15 महीने में हो गया ये। 15 महीना हुआ, 15 महीने से भी कम है अभी, तो कम हुआ। ओके, आएगी तो 15 महीने का हो जाएगा। ओके मोहम्मद अली भाई, आप ये सारे बकरे जो है कहाँ से खरीदते हैं? ये सचिन मंडी में से लाया था ये सब बच्चे। भाई थोड़ा जोर से, आप काफी धीरे बोल रहे हैं, फिर आवाज सुनाई नहीं देगा सामने। सचिन मंडी में से लाया था, सचिन मंडी से लाए थे सारे बच्चे, और बकरीद के पहले ही लाया था।
ओके, यानी कि बिल्कुल गारंटी वाला माल है आपको। इसमें अगर कोई बकरा 55 बकरों में अगर कोई अदंत भी रहा हाँ। तो लेकिन उसकी गारंटी खातरी है कि वो साल का होगा, क्योंकि ईद से पहले आप लाए हुए ऑलरेडी पिछले साल की ईद से पहले। चलिए ठीक है, तो ये तीन बकरे देखिए माशाल्लाह, इसके बारे में बताइए। ये भी सोजत में चाहिए, सोजत में ये सिसोदरा मंडी में से लाया था। ये सिसोदरा मंडी हाँ। ये कहाँ पर लगती है? ये वेस्मा के आगे सिसोदरा मंडी। हाँ हाँ, वो नया वाला जो खुला है अच्छा हाँ, हाँ। उसको हम लोग वो पलसाना मंडी बोलते हैं। ये भी एक पलसाना मंडी हाँ। ये भी एक साल ही हुआ मेरे यहाँ। ओके हाँ। ये रहेगा 60 kg का राउंड हो गया, 60 kg रहेगा। ओके माशाल्लाह, तो ये भी खस्सी है और 60 kg का राउंड रहेगा। अच्छा ओके, या इसके बारे में बताइए, इसको कब से आपके पास आना है, कपड़े खाना है तो इसी के बारे में बता दीजिए। नहीं वो है ना, रोजाना इसको बाहर निकालते हैं, रोज बाहर निकालते हो और खुलाई में फिराते हैं, तो वो बहुत बच्चे घर जैसे हो गए, समझ गए ना, घर जैसे बिल्कुल अच्छे से। घर के पीछे ही एक बहुत अच्छा सा सेटअप बनाया हुआ है मोहम्मद अली भाई ने, एक छोटी सी जगह है लेकिन घर के ही साथ में अच्छा मैनेज है, अंदर में बिल्कुल उनको रखने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। और बकरे जो आपके हैं काफ़ी क्लीन भी है माशाल्लाह। तो ये कितना रहेगा? 65 kg अराउंड, 65 किलो, 70 किलो के आसपास होगा ये भी। ओके तकरीबन ये भी एक साल में ही हो गया, ये भी एक साल में हुआ। मोहम्मद अली भाई, इतने सारे बकरे आप पालते हो हाँ। तो ईद के टाइम सारे बिक जाते हैं? सारे बिक जाते हैं, हर साल बेचते हैं हाँ, हर साल। कहाँ, यहाँ लोकल में ही बेचते हैं? यहाँ लोकल और नवसारी के बहुत से लोग आते हैं, वो लोग बड़े बड़े बकरे सब वही ले जाते हैं, वही लेके जाते हैं नवसारी। मीडियम रेंज वाले हैं वो इधर गाँव में बिक जाते हैं, वो इधर गाँव में बिक जाते हैं। ओके चलिए अच्छा है, तो एक और वाला, दूसरा वाला दिखा दें जी। मोहम्मद अली भाई, 80 किलो वजन का होगा, 80 kg का राउंड। ओके माशाल्लाह, ये भी खसी है। कितने दांत पर है ये? 4 दांत हो गया है। खोलो, 4 दांत पर। ये भी अच्छा बकरा, इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है। मोहम्मद अली भाई, तो आपका जो एरिया है यहाँ पर बहुत सारे बकरे मिलते हैं, मैं देखा हूँ, मैं खुद आया हूँ, जो धर्मपुर और वो धर्मपुरी बकरे बोलते हैं जिसको, देसी यहाँ के लोकल बहुत सारे मिलते हैं और लोग बहुत लेके भी जाते हैं, तो उन सब में आपने सोजत बकरे लेने का किस तरह से सोचा कि भाई सोजत बकरे लेना है और सोजत बकरे पाल के बड़ा करके बेचना है? ये बकरे क्या है कि वो बड़े बहुत होते हैं इधर के, जब ज़्यादा वो खुराक देते हैं जी तो उसका ग्रोथ बहुत अच्छा आता है सोजत में। हाँ सोजत में, और वो इधर के बकरे हैं वो जितना ग्रोथ आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। और सोजत का एक अपना एक खुद का मार्केट है, और अपने सूरत जिला हो या नवसारी जिला हो, हर जगह पर अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो सेलिंग रहता है वो सोजत में, कुर्बानी में सबसे ज्यादा खूबसूरती इसमें ही रहती है, इसलिए कि सोजत में खूबसूरती इतनी रहती है कि हर जगह पर सोजत का ही मार्केट रहता है ज्यादा। चलिए तो ये 7 बकरे हो गए। मोहम्मद अली भाई, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि अब क्या, आप क्या मांग रहे हो ये बकरों का, कितना प्राइस मांग रहे हो? अच्छा ये है ना, प्राइस खुद इधर आके अगर फोन पे बता दे तो वो बताएंगे, फोन पे बताओगे? फोन पे बताओगे, और अगर खुद इधर आके देख लेंगे तो अभी इधर डील करेंगे। ओके हाँ। तो ये सबसे बड़े है, अभी जो और है वो वेट में इससे कम रहेंगे, इससे कम रहेंगे। तो पूरे बहुत सारे बकरे हैं, नंबर का लॉट ये है, ये एक नंबर वाला लॉट हो गया, वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी दे दूंगा हाँ। तो जिनको भी चाहिए, जो भी समझ में आता है, स्क्रीनशॉट ले हाँ। और मोहम्मद अली भाई का नंबर जो स्क्रीन पर दिया हूँ हाँ। तो उनको कॉन्टेक्ट करें और उनसे फोन पर ही बात कर ले, ठीक है? वजन जो है अप्रोक्सीमेट किया हुआ है, वजन मशीन पे नहीं किया है, तो वो एक अंदाजन बता रहे हैं। माशाल्लाह बकरे काफ़ी अच्छे हैं, जो खस्सी के शौकीन हैं उनके लिए अच्छी जगह है। चलिए मोहम्मद अली भाई, हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अस्सलामुअलैकुम।